इसका मतलब है किसी ने आपका आइडिया चुरा लिया है दी। अब हम क्या करेंगे? हम तो कंपटीशन हार जाएंगे। कल कंपटीशन का आखिरी दिन है दी और हमारा ही शो है। और हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है कि हम कुछ नया सोच सके, कुछ नया प्लान कर सके। ये तो बहुत गलत हो गया। अब हम कल अपना कॉन्सेप्ट प्रेजेंट कैसे करेंगे? सही कह रही है आरुषि, वरना इस तरह हम अगर जाएंगे तो इनको लगेगा हमने इनका कॉन्सेप्ट कॉपी किया है। मुझे पता था कि तुम ऐसी कोई हरकत करोगे। तुम्हारा आइडिया रिजेक्ट हुआ इसलिए ना? ये आप क्या कह रही है मनीमा? How can you even think like this? आप आरुषि पे इल्जाम लगा रही हैं। आपको लगता है ये सब आरुषि ने किया है? ऐसा इल्जाम आरुषि पे कैसे लगा सकती है? Without any evidence? हाँ बेटा हाँ। शादी के बाद ना हर किसी को अपनी बीवी सही लगती है। फिर दुनिया गई भाड़ में। हमारा दिल जीतने के लिए इसने हमारे साथ भी मैनिपुलेशन किया। Stop it, बबीता। तुम आरुषि के साथ इस तरह बात कैसे कर सकती हो? सास बहू हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कह सकती हो। आरुषि पुत्र, बात क्या बता ना? तू रो क्यों रही है बेवजह? अरे हरप्रीत, कुछ तो याद रखा करो। क्या याद करना है? अरे वो फैशन कंपटीशन की सब गड़बड़ हो गई है। सॉरी पुत्र, याद आ गया। रोने की जरूरत नहीं है आरुषि। मैंने ये सजेस्ट किया है कि कल होने वाले फैशन वीक कंपटीशन में हम तुम्हारा कॉन्सेप्ट प्रेजेंट करेंगे। आई थिंक इट्स द परफेक्ट आइडिया। नहीं विहान, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? अगर मेरी आइडिया से आगे बढ़े तो पुआमा और मिनीमा का शक यकीन में बदल जाएगा कि सब मैंने किया है। आरुषि, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं आरुषि, ये समय रोने का नहीं है, बल्कि ये समय वत्सला के लिए पर्सनल इक्वेशन से ऊपर उठकर सोचने का है। विहू बिल्कुल ठीक कह रहा है। आज हमारी कंपनी की रेपुटेशन दांव पर लगी हुई है और हम अपनी कंपनी की रेपुटेशन के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। घर की गलतफहमियां तो दूर हो ही जाएंगी, लेकिन अगर हमारी कंपनी के नाम पर दाग लग गया तो वो बड़ी मुश्किल से मिटेगा बेटा। आज हमारी प्रायोरिटी हमारी कंपनी वत्सला ही है। तो बताओ, तुम सब हैंडल कर लोगी? जी दादी माँ, मैं हैंडल कर लूंगी। और एक बात, प्रियंका और मिनी से मैंने पूरी बात डिस्कस कर ली है और वो दोनों भी मान गए हैं। जस्ट डोंट वरी। मैं अभी पूरे स्टाफ को फोन करके बुलाती हूँ। इस वक्त? जी, मुझे यकीन है जिस जिसकी जरूरत हमें है वो सब आए। थैंक यू ऑल इतनी शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए, स्पेशली यू अदिति। तुम्हारी तबीयत खराब है फिर भी तुम आए, थैंक यू। मैम, मैं कैसे मना कर सकती थी? इस वक्त तो हमें एकजुट होके काम करना है ना? ऑफ कोर्स। अदिति, इसके पहले हम काम शुरू करें, तुम कुछ कहना चाहोगी सबसे? क्या मैम, मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझा। ये है वो कॉल रिकॉर्ड्स, 25 कॉल्स जो तुमने हमारी ऑफिस की लैंडलाइन उस राइवल कंपनी को किए थे। और ये सीसीटीवी फुटेज जिसमें ये साफ दिख रहा है कि किस तरह तुम प्रियंका मैम के कैबिन से प्रिंटआउट्स निकालकर एक एनवलप में डालकर ले गए।
और अभी भी तुम सिर्फ ये देखने आए हो कि कॉन्सेप्ट चोरी होने के बाद भी हम नया क्या करने जा रहे, ताकि वो आइडिया भी उठाकर तुम किसी राइवल को बेच दो। क्यों अदिति, सही कह रही हूं ना मैं? स्पीक अप। तुमने मेरे टी के डिजाइन चुराए? तुम्हें ये थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा। यू विल हैव टू पे फॉर दिस। और वैसे भी अभी तो रात बाकी है, एंड आई विल मेक श्योर कल वत्सला पूरी दुनिया में सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाएगा। तेरी तो तेरी मर रहने दीजिए। अदिति अभी इसी वक्त यहां से चली जाओ, वरना हम लीगल एक्शन ले लेंगे। हाँ मैं कह रही हूं आपका ये कॉन्सेप्ट फ्लॉप होगा। फॉरेन कंपनीज हमारे साथ इसलिए टाइप करना चाहती हैं क्योंकि वत्सला उन्हें परंपरा दे रहा है। आपको मेरा कॉन्सेप्ट ही लेकर जाना चाहिए। अच्छा, और जो उस कंपनी ने पहले ही तुम्हारा कॉन्सेप्ट पेश कर दिया है उसका क्या? अपनी हंसी उड़वा ले हम। आपको जो करना है आप कीजिए। देखना, जिसने मेरा कॉन्सेप्ट चुराया है ना, कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, वो ही जीतेंगे और हमारा मजाक उड़ेगा। प्रियंका, जो अब तक हुआ नहीं है उसके बारे में बात ना ही करे तो बेहतर होगा। माँ, आई थिंक दी ठीक कह रही। अच्छा बबीता, कभी कभी अपना दिमाग भी इस्तेमाल किया करो। ये दी दी क्या हर वक्त कहती रहती हो? फिर उसे पता है मैं सही कह रही हूँ। ओफो प्रियंका, अब मान भी जाओ ना। जब हम सब ने फैसला कर लिया है कि आरुषि के कंसेप्ट के साथ चलते हैं, तुम क्यों खिलाफ बोल रही हो? हम सब ने नहीं माँ, आप सब ने। और आप सबके इस फैसले में मैं नहीं हूं।